हेलो एवरीवन, आज का मेरा ब्लॉग है सुबह का। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है, ये बज गए हैं मेरे। चल आपके आज मैं बताती हूँ रोज़ में क्या करती हूँ। तो यह बज रहे हैं 12 के बाद मेरा नाश्ता था, ये मेरे बिस्किट हैं छोटे छोटे से, और ये मैं हाफ कप चाय पीती हूँ क्योंकि गर्मी आ गई ना, गर्मियों की वजह से मैं चाय मैंने कम कर दी और मैं बिस्किट से नाश्ता करती हूँ बस। उसके बाद मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। शॉपिंग दिखाती हूँ, ईद भी आ रही थी तो मैंने, मुझे एक कुर्ती अच्छी लगी थी, लॉन की थी, मतलब लिलन पे थी, बहुत अच्छी सिंपल सी थी बिल्कुल, मुझे कलर भी अच्छा लगा था, लाइट सा कलर है क्योंकि गर्मी है ना, और येलो तो मेरे हर वक्त कपड़े आते ही रहते हैं, और ब्लैक टाइस थे, इसका ब्लैक दुपट्टा मेरा न्यू रखा हुआ था तो मैंने इसे कुर्ती ले ली थी। 550 की मुझे कुर्ती मिली थी। मैंने, चलो आपके साथ मैं इस वीडियो में दिखा देती हूँ, मतलब ब्लॉग में आप। उसके बाद फिर मैंने रिंग, मुझे रिंग अच्छी लगी थी तो मैंने ये रिंग भी मैंने ले ली। इस पर हर मतलब ना हक दो हक में था, तो हाथ हैं हक अच्छी लगी थी तो मैंने, चलो ये ले ली। और मैंने इयर रिंग्स लिए, मेरे लॉन्ग का सूट सिल रहा है वाइट कलर का, उसके साथ मैंने ये टॉप्स लिए हैं। मैंने, चलो आपके साथ आज अपनी रूटीन बताती हूँ, मैं रोज़ सुबह क्या करती हूँ, पूरा दिन मेरा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। फिर चलो आज क्या करते हैं, उसके बाद पैकेट बनाया था रबड़ी खीर का। मैंने, चलो रबड़ी खीर की रेसिपी भी आपको बता देती हूँ। एक मैंने मिल्क पैक लिया था आधे किलो का, उसमें मैंने दो मतलब दो मिल्क पैक ले लिए थे और एक पैकेट डाल दिया था। अर्जेंट रबड़ी थी, इसमें सब कुछ मिला हुआ आता है ना, वो वाली रबड़ी ले लेती, मेरा दिल चाह रहा था मीठा खाने का ना, तो मैंने, चला आज रबड़ी भी बना लेते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में इतना है ही नहीं कोई। मैं ही ज़्यादा मीठा ही खाती हूँ, मम्मी भी नहीं खाते, चाय भी मैं ज़्यादा पीती हूँ, मीठा भी ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि अभी गर्मी की वजह से ना मैंने चाय भी कम की हुई है, जूस पे ज़्यादा हूँ। तो रबड़ी को इतने देर तक पकाना है जब तक वो गाढ़ी ना हो जाए। फिर उबाल दूध उबाल आ गया तो उसके बाद मैंने रबड़ी का पैकेट डाल दिया, तो देखी कितनी अच्छी रबड़ी गाढ़ी हो रही है। तो उसको इतना गाढ़ा पकाना है तो वो खुद ही जम जाएगी, डालने के बाद ना हम डालेंगे ना किसी बाउल में तो वो जम जाएगी बिल्कुल, आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं। अगर ठंडी करके खाओ तो ठंडी, मैंने ठंडी करके ही खाई थी रात को ना, मैंने थोड़ी सी खाई थी, भाई को अच्छी लगी थी तो भाई ने खा ली। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मैं सबको टेस्ट करवाती हूँ, जो भी अच्छी चीज़ बनाती हूँ ना क्योंकि मैंने कुकिंग करना सीखी है, तो मैंने, चले सबको ट्राई भी करते रहे और ना पता भी चलता रहेगा कि क्या अच्छा बन रहा है क्या गलत बन रहा है। आपको ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई थी। मीठा मैं बहुत कम बनाती हूँ पर मुझे खाना अच्छा लगता है। मैंने, चला बना के भी ये मैंने सर्फ मैंने बना दी थी, ये बहुत अच्छी लगी थी, सबको अच्छी लगी थी, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। मुझे शाशे पैकेट वाली आती है बाहर की तो ऐसी होती है, मैंने, चले आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत यम्मी थे टास्क भी। फिर दोपहर हो गई थी तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। मैंने, चले आपको बता देती हूँ कैसे बन रहे हैं आलू के पराठे, बहुत अच्छे बने थे। एक मैंने अपना बनाया था, दो अपने पापा के लिए बनाए थे, तो ये देखें कितने अच्छे बने हैं। ये देखें बस थोड़ा सा ना मेरे से फट जाते हैं पराठे, अम्मी तो बहुत अच्छे बनाती हैं इनको, लेकिन मुझे नहीं आते हैं, लेकिन मैंने बना लिए फिर भी, भूख लग रही थी तो क्या खाती। तो ये देखें ये मेरा दूसरा पराठा बेल ली हूँ मैं, और एक मैंने तवे पर डाल चुकी थी जो बहुत अच्छे बने थे। इसके साथ मैंने चटनी रायता सलाद सब बनाया था। तो मैंने, चलो आपको बताती हूँ मैंने दोपहर में आज क्या खाया है। ये देखिए मैंने इसमें ना घी डाला, और मैंने इसको ना, मुझे बहुत ब्राउन ब्राउन अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सिक्के हुए पराठे ना, तो मैंने वैसे ही बनाए थे अपने लिए। दोपहर में तो ऐसे हल्की अच्छी लगती है, मतलब लाइट खाना खाओ, लेकिन मेरा दिल जा रहा था कब से आलू भरे पराठे खाने का, तो मैंने, चलो आज आलू भरे पराठे ही बना लेते हैं दोपहर में, क्योंकि समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या क्या खाओ। तो मैंने कहा चलो, तो मैं और अब्बू तो थे, भाई ने नाश्ता किया हुआ था, उसने मना कर दिया था मैं नहीं खाऊंगा, अम्मी चली गई थी मामू के घर पर, तो मैंने सिर्फ तीन पराठे बनाए थे। ये देखिए ये मेरा तीसरा पराठा बन रहा है, तीनों पराठे बहुत अच्छे बने थे, अब्बू को भी अच्छे लगे थे, मेरे फर्स्ट टाइम बनाए लेकिन पराठे आलू भरे में, वैसे अम्मी बनाती हैं। उसके साथ मैंने ना लहसुन और कुटी हुई मिर्चों की चटनी, अचार था हरी मिर्चों को, मैंने ऐसे सलाद बना ली थी और ये रायता था। चटनी में बहुत मिर्ची हो गई थी, चटनी में तो मैंने थोड़ी सी खाई थी बस, दही से खाई था मैंने ना रायते से, और ये मैं अचार लाई थी, मुझे मिर्चों का अचार बहुत पसंद है,
मैंने चले हरी मिर्चों का अचार मैंने ले लिया था। इसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ चुके थे। हाय करो अहमद, मैं चार बजे बढ़ा थी ट्यूशन वाले बच्चों को, चार से छः बटोड़ कर आइए। ये सारे बच्चे हैं, हेलो हाय सब कर रहे हैं। हेलो करो, हाय बिस्मा, बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। छोटा बच्चा है, रोज़ की रोज़ की रूटीन मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने बोला चले आपके साथ ही चलाऊं, कैसे लगता है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, मैंने फालतू का जूस बना लिया था अपने लिए, मैं अकेली तो थी, मैंने बोला क्या करूँ, मैंने फालतू का जूस बनाया था अपने लिए। फिर शाम के लिए सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने ना भिंडी बना लेती हूँ मसाले वाली। मैंने भिंडी को धो ली थी क्योंकि भिंडी अब जा रही है, उसका जायका भी ख़त्म हो रहा है, तो मैंने आखिरी बार बना लो भिंडी, तो मैंने ऐसी मसाले वाली भिंडी काट ली थी, बस बनाई थी। तो भिंडी ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जब जा रही है ना कुछ कुछ सही दिख रही, बाकी सारी ख़राब भी थी। 1 किलो में से आधा किलो भिंडी निकली थी, तो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटी, मुझे मोटी मोटी अच्छी लगती है, बारीक काटो तो अचार अजीब सी हो जाती है, छोटी छोटी सी ना पिच जाती हैं। ये देखिए मेरी भिंडी कट चुकी है, इसका मैंने मसाला बनाया, टमाटर थोड़ा सा लहसुन कुटी हुई मिर्च सॉल्ट और कटी हुई हरी मिर्च सब वही प्याज और ये जीरा। देखिए मेरी भिंडी भी रेडी होने वाली है, मैंने प्याज पाउडर मसाला भून के डाल दी थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।